नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत के मन की बात प्रभासाक्षी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम कर्नाटक में हैं, राजधानी बेंगलुरु में हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि कर्नाटक का जो चुनावी मिजाज है क्या है, हवा का रुख किस तरफ है। जी, आपका शुभ नाम? रंगनाथन। रंगनाथन जी, इस बार क्या लग रहा है आपको माहौल, खासतौर पर अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो जनता के मन में क्या है? अभी जनता का मन में मोदी हवा इज गोइंग हियर बिकॉज एवरीबडी वांट्स मोदी अगेंस्ट वंस अगेन प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हिज 5 years नो करप्शन एंड हाउ ही हैंडलिंग द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, सो ही इज कैपेबल। और अगर हम बात करें जो लोकल इश्यूज की, वो बहुत सारे हैं। जेडीएस कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी के अपने जेडीएस कांग्रेस पर आरोप हैं। आपको लगता है कि लोकल इश्यूज कुछ काम करेंगे इस इलेक्शन में? लोकल इश्यू डजंट मैटर, आरोप एंड प्रत्यारोप सभी इलेक्शन में चलता रहे बट इट विल नॉट अफेक्ट मोदी। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनौती है कुछ? Here candidate is old candidate, his age is 64 and is also once he defeated in 1999 against Anant Kumar. So now BJP has filed Tejasvi Surya, young candidate, and is a good replacement of Anant Kumar. Qualify also, he is a qualify, he is a high court lawyer, he is a qualify and he is very capable of connecting Bangalore to Delhi. और अगर हम बात करें मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल की, तो आपको लगता है कि जो 2014 में वादे किए गए थे उस पर ये लोग खरे उतरे या कुछ बाकी रहा? He made base thing he has made. Jandan and Ujjwal, all base thing he has made. He put platform. Now another 5 year he has to build a construction has to start. और अभी हम बात करें जैसे आप अगर बेंगलोर से बाहर निकलते हैं हम, तो आपको लगता है कि यहाँ के बाहर भी, बेंगलोर में हमने काफ़ी लोगों से राय ली, बेंगलोर के बाहर भी अगर देखें तो क्या बीजेपी को आपको लगता है कि कुछ पहले इस बार 17 थी 2014 में, तो उससे अपनी टैली आगे बढ़ा पाएंगे ये लोग? हाँ डेफिनेटली, लास्ट इलेक्शन में 15 सीट हैज कम, नाउ डेफिनेटली दिस ईयर 20 डेफिनेटली विल कम। और बीजेपी के कुछ जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी सिटिंग एमपीज भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें धुल जाने वाली हैं नरेंद्र मोदी के नाम के समर्थन में? डेफिनेटली, बट नरेंद्र, पीपल शुड नो व्हाट ग्रीवेंस शुड टेकन टू एमपी। एवरीबडी एमपी डजंट लुक वाटर प्रॉब्लम सैनिटरी प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल द एमपी शुड टेल we should have some, this is the problem, you have to come there. People also should know what problem. And also all MPs, your MLAs also, they are failed to give Modi's project to the people also. Still they have to work. कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसमें कुछ एक कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें कुछ विवादित चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा आपका क्या कहना है उस पर, जनता क्या सोचती है? Congress manifesto is only, that is very difficult to give that manifestos. 72,000, 12,000 rupees per family, that is all difficulty. Again, loan wavering, like that manifestos will come. It's difficult. Still we don't know the BJP manifesto. But what they have done, what they have given last manifesto, if it will continue. Again, if we go for Congress, because from zero we have to start. So better BJP for country. So every year we should reduce the BPL card. So we have given this year 40 lakhs BPL card, next year 60 lakhs BPL card. What is the meaning? So we have to reduce the BPL card. We'll see. The Modi is the best candidate. Parmeshwar ji, इस बार किसकी सरकार? इस बार नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का। ऐसा मतलब आपको क्यों लगता है कि मोदी दोबारा आना चाहिए? क्योंकि जो 5 साल में जो किया है वो कांग्रेस ने, इतना साल हो गया 55 साल है वो नहीं किया है, इसलिए हम और एक बार चांस दे के देखते हैं कितना और करेगा जनता के लिए। हाँ, इसके लिए वो कोई करप्शन का ये उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हम उसको
मोदी सरकार चाहिए हम, मोदी सरकार। लेकिन कांग्रेस बड़े लुभावने वादे कर रही है, कह रही है कि हम 72,000 देंगे जो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, और ये जो कोई भी आप बिजनेस करिए 3 साल तक हमको पूछेंगे नहीं टैक्स के लिए। अभी ये जो कांग्रेस बोल रहे हैं ना, ये 55 साल से क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं किया है जी? अभी वो जो उसको डर लगा है कि मोदी सरकार आ रहा है इसलिए हमको ये कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ये 72,000 ये 6,000 जो दे रहे हैं ना, वो किसका पैसा है? वो हमारा ही पैसा है, टैक्स का है, वो खुद इसमें से नहीं दे रहे वो। इसीलिए वो ऐसा ही वो इलेक्शन के समय आता है ना, वो जब प्रणाली का निकलता है वो ऐसा ही। इलेक्शन और अभी राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा केरल से क्वायनाट सीट से भी पर्चा भर दिया, आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि वो दोबारा 2 सीट से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? उसको भरोसा नहीं है कि अमेठी में जीत सकता हूँ, इसलिए वो केरला गया और उधर एटलीस्ट उधर जीतने के लिए गया वो। तो उसको डर लग रहा है ना कि उधर मैं नहीं जीत पाऊँगा तो एमपी होने का मुश्किल है, इसलिए वो उधर गया है। हमने कर्नाटका में देखा था, जब कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन होते राहुल गांधी आ रहे थे, वो मठ मठ जा रहे थे, मंदिर मंदिर जा रहे थे, वायनाड गए तो किसी मंदिर में किसी मठ में नहीं गए, वहाँ पर उनको एक जो अल्पसंख्यक समाज का समर्थन ही मिल रहा था काफ़ी। वो क्या है कि वो जब इलेक्शन आता है ना मठ में जाता है वो उधर ये जो रिलीजियस प्लेसेस है ना उधर जाता है वो जी। और इधर वो अल्पसंख्यक लोग है ना वो केरला में, इसलिए उसका वो वोट उधर इसको मिलेगा करके वो गया उधर गया। एक महिला के नाते आप क्या सोचती हैं, आपको कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हमको भी मोदी चाहिए। अब क्या आपको क्या पसंद आया मोदी सरकार में कि दोबारा से चाहिए मोदी? वो टीक लगाए हम देखा है ना, हम मिलिट्री के लिए कितना लोगों को ये मदद किया है और लेकिन मोदी जी चाहिए लोगों को, ये बात निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए कि सारी पार्टीज एक खिलाफ हो गई हैं, उनके इकट्ठे होकर खिलाफ हो गई हैं, क्या नुकसान होगा क्या मोदी जी को इससे? नहीं नुकसान होगा, भरोसा है मोदी पर। और अभी जो ऐसा लगता है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद से मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ी है, तो पाकिस्तान से जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं मोदी जी, वो ठीक है उनका? हाँ ठीक है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने कहा है कि हम अलगाववादियों से बातचीत करेंगे और सैनिकों की संख्या वहाँ पे सीमित करने, जम्मू कश्मीर में सीमित करने पर विचार करेंगे। आपको लगता है जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि सैनिकों की संख्या वहाँ घटाई जानी चाहिए? सर आपको क्या लगता है इस बार कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? वेल आई वुड लाइक टू सी टू इट दैट मिस्टर मोदी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। या जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि कांग्रेस भी बड़े जो ऐसे लुभावने वादे कर रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के वादों में दम है या नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज में दम है? सी लुक सर, नरेंद्र मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन टैकल द इंटरनल टेररिस्ट। एक्सटर्नल टेररिस्ट ही इज मैनेजिंग, इंटरनल टेररिस्ट आर द बिग प्रॉब्लम, ही इज द ओनली गाय हु इज मैनेजिंग देम, द अदर्स आर ऑल एनकरेजिंग देम इन ए वे। सो आई वुड रादर वोट फॉर मिस्टर मोदी देन टू एनीबडी एल्स। और अभी जो राहुल गांधी ने वादा किया कि 72,000 देंगे जो गरीब लोग हैं, आपको लगता है कि ये वादे का कोई असर होगा, कांग्रेस को कुछ वोट मिलेगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इंपैक्ट ऑन द वेल जनरल इलेक्शंस। नो नो नो, आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल एट ऑल। यू कैन नॉट गिव सो मच ऑफ मनी एंड गेट अवे विद इट। नो, जस्ट कैन नॉट सॉरी। या और कांग्रेस जेडीएस मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? Well, here it's a different issue altogether. Regional parties, well, regional issues are there. So I can't say anything about that. But BJP can give a strong, you know, challenge. That's how I feel. Thank you. Sir, इस बार क्या कर्नाटक में क्या माहौल लग रहा है आपको? कर्नाटक में टोटली मोदी वेव इज गोइंग ऑन, मोदी वेव इज 100% जी। क्या मतलब जो लोकल इश्यूज हैं उन सब चीज़ों पर मोदी भारी पड़ जा रहे हैं? सी लोकल इश्यूज इज नॉट कनेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन दिस इज हियर वी आर गोइंग फॉर ए सेंट्रल इलेक्शन। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वर वी आर ऑल फॉर मोदी, देर इज नो एनी डो इश्यूज, नहीं देर इज नो एनी डाउट इन दैट एनी बडी इज रेस्पेक्ट। जेडीएस की जो फैमिली पॉलिटिक्स है उस पर क्या लगता है? जेडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अनपॉपुलर पॉलिटिक्स चल रहा है इधर, ओनली दे आर कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर किथ एंड किन्स, देयर फैमिली, वन फैमिली, वी आर टोटली अपोज टू दैट फैमिली।
पॉलिसी डिस्कस 100% वी आर टोटली अगेंस्ट फॉर दैट। जी, और राहुल गांधी जो यहाँ पे आके वादे कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ असर डाल पाएंगे? सर, राहुल गांधी के बारे में पूछना तो ही बेकार का बात है। प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दैट जेंटलमैन। जी, डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू आंसर। ओके, जो JDS है उसने कहा है कि जो थर्ड फ्रंट का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, खुद देवेगौड़ा का भी दोबारा से इच्छा हो गई है, लगता है कि थर्ड फ्रंट कर पाएगा कुछ इस बार? सर, देवेगौड़ा इज ऑलरेडी वर्किंग इन विद द हेल्प ऑफ द टू सिक्योरिटी गार्ड। Do you think that he can become a prime minister to at this age? Totally rubbish. Sorry. अभी इस बार आपको क्या लग रहा है माहौल कर्नाटक में, क्या कौन सी पार्टी की ज़्यादा आपको लग रही है कि बढ़त है? In Karnataka, there is huge support for BJP itself. Yes. If you see locally, then JDS might have an edge, but thinking about the way Modi has been working or the things that have been progress for 4 years, then even Karnataka, we think that Modi would win. Definitely would be, yeah. और आपने यूथ की बात करी है कि मोदी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक आरोप लगता है मोदी सरकार पे कि वो जॉब्स के मामले में थोड़ा सा उतना काम नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था, क्या उम्मीदें हैं अभी भी यूथ को कि आगे काम हो पाएगा? द जॉब्स हैव बीन गेटिंग क्रिएटेड, बट यू कांट एक्सपेक्ट सच ए चेंज इन 4 years कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो द लोकल यूथ ऑफ द कंट्री और द पीपल हु आर like you know willing to work is too huge to create jobs within 4 years, you can't expect that. So the people who will be expecting that might be undermining the real scenario of the country. So I think for the job situation to improve you will need another 10-15 years maybe. जी, और क्योंकि हम बेंगलुरु में हैं, ये IT हब है, स्टार्टअप का हब है, यहाँ पर सरकार की तरफ से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया पहले शुरू की गई, जो राहुल गांधी वो भी कह रहे हैं कि एंजल टैक्स को स्क्रैप करेंगे, और साथ में जो अगर कोई नया अपना बिजनेस शुरू करता हो 3 साल तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो आपको लगता है कि ये सब जो वादे हैं कुछ अपील कर पाएंगे जनता? दैट विल बी अपील, बट यू नो आई डोंट थिंक द टैक्स फ्री पीरियड वुड हेल्प मच। सो दे कैन गिव concession on tax and the paperwork could be easier, but tax free period would only set the expectations high and waste the taxpayers' money, as simple as that. Let the people pay tax anyway, they are doing business, so let them pay tax, but at a discounted rates, or the paperwork could have been easier, can be made easier. But giving tax free period or tax breaks is I don't think that will be a solution for the growth of the country. Definitely. और अगर आप फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर मोदी सरकार को देखें तो क्या कितने आपको लगता है कि ये उस मोर्चे पर सफल रहे? खासतौर पर अभी हमने देखा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से दुनिया के देश हमारे साथ खड़े रहे, आपको लगता है कि इनकी पॉलिसीज ठीक रहीं? द पॉलिसीज हैव बीन पॉजिटिव। इंडिया हैज़ ए सर्टन इमेज इन द पास्ट 4 years दैट वॉज नॉट देयर प्रीवियसली ऑल्सो, so that looks positive actually, that looks good. And if the Congress comes into power, I recently read their manifesto but could not go through it much, but I don't think that the same image would be there, like one of the India becoming one of the superpowers or having a considerable amount of respect in the world, that might depreciate a little if Congress comes to power. Yeah. मेरे साथ हैं श्री कोटेश्वरा सूर्य नारायण राव जी, आपका स्वागत है। इस बार आपको क्या लग रहा है माहौल? बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हैं आपको, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार किसकी सरकार? चुनाव के बारे में आप पूछ रहे हैं या युगादि के बारे में? चुनाव के बारे में चुनाव के बारे में अभी परसेंटेज का ऐसा हिसाब देख लिया तो तेजस्वी सूर्य को नंबर 1 है जी, सेकंड वो हरिप्रसाद और दूसरा तीसरा तेरह बाद में टेवणी भी नहीं रहे, वो तो उड़ जाता है। जी, वो तो उनको क्या कि टेव लग गया है, हम भी ये करेंगे जी। मात्र कितना जोर से हो जाएगा, मतलब परसेंटेज कितना जी बहुमत से मिलेगा वो मालूम नहीं जी, बोल नहीं सकते जी। प्राइम मिनिस्टर का कौन लगता है आपको, कौन बन पाएगा इस बार? तेजस्वी सूर्य को चांस है, तेजस्वी सूर्य तो यहाँ से MP हो गए, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इस बार? वो तो बिल्कुल मोदी के लिए और दूसरे के लिए नहीं। जी और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें बड़े लुभावने वादे हैं? नहीं, वो सब हमारा लोग सब बहुत मशहूर ये है उनका आजकल, उनका तो थिंकिंग कैपेसिटी बहुत जोर है जी। वो जमाना था वो जैसा वो आप बोल दिया उधर वो जाके वोट डाल दिया, ऐसा नहीं है जी। आपको चाहिए हाँ देंगे, आपको देंगे, उनको चाहिए उनको देंगे, इनको चाहिए इनको देंगे, सबको तो यूं करके बाद में अपना मन में जो है वही डाल देंगे।
अभी मोदी का नाम उनका दिमाग में रहे तो उनको तो हिला नहीं सकते कोई जी, जी। एक बात है जी। मगर और एक बात है वो उसके लिए ऑपोजिट में कौन है वो ताकत वाला कहाँ है जी। नहीं है जी। कोई भी नहीं है पूरा चिल्लर गिरा। कांग्रेस कह रही है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा हम बाद में तय कर लेंगे, क्या आपको लगता है कि पहले फेस बताना चाहिए कि कौन होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहे तो अभी पक्की तरह से वो नहीं बात किया तो क्या मतलब है जी। अभी हमारा तरफ से वो हमारा मिश्र करके बोलेंगे हाँ। मिश्र का कौन जी, वो कौन आएगा जी। लोग भी देखते हैं ना हमारा प्रधानमंत्री होने का जगह पर बैठने के लिए उसका तो कितना ताकत है, कितना ये करेगा जनता के लिए क्या करेगा करके जी। थोड़ा बहुत लोग पैसे के लिए लालच में गिर जाएंगे वो तो बाल में जी, जी। मगर ज़्यादा परसेंटेज जी। मतलब 70-80% लोगों का दिमाग है जी। कुछ सोचते और वैसे ही वोट डालेंगे। इसका मतलब है ये बेंगलुरु के लिए मेरा मतलब है ज़्यादा तो कम से कम उधर सदानंद गौड़ा इधर तेजस्वी सूर्या बीच में वो ये है ना चिकपेट के लिए वो तो आएगा तो जरूर जी। फिर दूसरा तीसरा के रहे नहीं बास कर सकते पूरे जेडीएस की जो फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है उस पर जनता के मन में क्या है? नहीं वो जेडीएस क्या है उल्लू बात करते रहते हैं सिवाय तो उनका तो कुछ ताकत वाला बात नहीं कर रहा है जी। ये तो हमने जब आईटी रेड्स होती है तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को ये आरोप लगाते हैं। नहीं बस वो तो मामूली उनको तो वो ये करने का तो उनका तो हिसाब हो गया है जो कुछ होता है मोदी जो कुछ हो गया मोदी का है ये मोदी का काम है वो काम का नहीं है। लोग सोचते और समझते इन लोगों का तो ये गड़बड़ बात करते करके ये गड़बड़ बात करने से कोई फायदा नहीं है जी। फायदा मिलना रहे है तो पक्की तरह से वो बात करना कुछ बात कर दिया तो उसमें ताकत रहना वो तो होने वाला काम करना है। मगर ये अभी क्या है चुपके तो अपना ये टाइम है अभी हम करेंगे आसमान को नीचे उतारेंगे वो करेंगे ये सब काम का नहीं है। लोग उतना उल्लू नहीं है ये तो ये एक बात है। मैंने 50 बरस पहले देखा था जो कुछ एक पहला दिन एक थोड़ा बॉटल दिया तो बस दूसरा दिन उसमें अंगूठे लाते वो था जमाना मगर अभी नहीं है। अब नहीं है। आपने बड़ी बड़ी पदवी बात की 50 साल का अपने इतिहास बड़े बिल्कुल संक्षिप्त में आपने रख दिया जनता के सामने और वाकई में हम जनता के मन की बात जो जान रहे हैं उसका आशय यही है कि लोगों को हम वो दिखा सकें जो जनता के मन में चल रहा है। कोई बोल सकते हैं वो GST वो नहीं है वो टिक नहीं है ये टिक नहीं है ऐसा कुछ तो 100% लोगों के लिए करना करके नहीं कोई अच्छे काम करने का वक्त कुछ बुरी होने वाला भी चीज़ होता है। कभी GST मतलब अभी इसका तो फल मिलेगा कब एक 5 बरस या 10 बरस में GST का काम कितना अच्छा हो जाएगा वो भी देखना है। अभी टेम्पररी के लिए कोई 5 का बदली में 8% हो गया हमने क्यों देना ऐसा नहीं है 8% तो पक्की है वो 5% वाला तो 15% कर सकते जी। ये सब गड़बड़ होता है एक एक स्टेट में एक एक तरीका होता है इसीलिए जो कुछ लिया इनका ये वो तो पक्का है वो तो लोग समझते बिल्कुल समझते। हमारा बेंगलोर साउथ के लिए पक्की तेजस्वी सूर्या। सर आपको क्या लगता है इस बार क्या हवा का रुख किस तरफ है कर्नाटक में एक्चुअली बोले तो JDS और कांग्रेस ही चाह रहा है जी। एक दो सीट फर्क रहता है जी। उन्हें भी आता है एक 10-15 सीट से अंदर टोटल 28 सीट है ना जी। उन्हें 12 आता है इन्हें 16 आता है 12 या 16 की बीच मान रहे हैं आप ऐसा ही आता जी जी जी।